क्या आपको पता है आपको हार्ट अटैक कब आएगा और आप नहीं रहोगे? गेस कर लो, आई विल गिव यू 1 सेकंड। मेरे को तो लगता है उसके किडनी में हार्ट अटैक हो गया होगा, गिर गया होगा कहीं। कोई नहीं गेस कर पाएगा क्योंकि किसी को नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है। आज मंडे है, सुबह के 8 या 9 बजे होंगे। इस टाइम पर एक कॉमन चीज होती है, इस टाइम पर हर एक कॉर्पोरेट मजदूर ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा होगा। इस चार्ट पर आप एक बार नजर डाल लो। इस चार्ट से पता चलता है कि हर एक ह्यूमन की एवरेज लाइफ 80 साल तक होती है। अगर आप लकी हो तो आपकी जॉब लाइफ स्टार्ट होती है 21 से। लकी इसलिए कहा क्योंकि आजकल जॉब मिलना इतना भी आसान नहीं है। उसके बाद आप करते हो सिर्फ वर्क 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 रिटायर्ड होने तक, लगभग 65 की एज तक। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर आपका जॉब अच्छा है या बुरा, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपके लाइफ का आपके जॉब में स्पेंड होने वाला है। वो टाइम आप सैड या फिर अनहैप्पी होकर मत बिताइए। जैसे कि ये मेरा फ्रेंड जय, जब हम स्कूल में थे तो हमेशा कहता था कि स्कूल के बाद हमारी लाइफ खुशहाल होगी। वेल, जय का स्कूल भी खत्म हो गया बट ही वाजंट हैप्पी। उसके बाद जय कहता था अगर मुझे जॉब मिल जाएगी तो मेरी लाइफ तो सेट है। उसके बाद जय को जॉब भी मिल गई लेकिन ही वाजंट हैप्पी। उसके बाद जय कहने लगा मेरी शादी होगी लाइफ में, मैं सेटल हो जाऊंगा, मेरे बच्चे होंगे, देन आई विल बी हैप्पी। सो ही गॉट मैरिड और वो लाइफ में सेटल भी हो गया और उसके 2 बच्चे भी हो गए, बट ही स्टिल वॉजंट हैप्पी। उसके बाद जय कहने लगा जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैं रिटायर होके मस्त लाइफ जीऊंगा, देन आई विल बी हैप्पी। उसके बच्चे बड़े भी हुए और वो रिटायर्ड भी हुआ, बट ही स्टिल वॉजंट हैप्पी। उसके बाद जय रोज मंदिर जाने लगा। तो उससे मैंने एक दिन पूछा तो रोज मंदिर क्यों जाता है? तो जय ने कहा कि जब मैं मर जाऊंगा देन आई विल बी हैप्पी। तो ये थी जय की दुखद कहानी। हालांकि ये कहानी नई नहीं है। इस कहानी में मैं जय की जगह पर अभय या फिर विजय किसी का भी नाम ले सकता था। हालांकि ये कहानी हर 10 में से 5 लोगों की है। हम में से कई लोग जय है, बट ये हमारी गलती नहीं है। हमें ऐसे रहने के लिए या फिर ऐसे जॉब में फंसे रहने के लिए हमें प्रेशराइज किया जाता है या फिर हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें ऐसा करने के लिए मजबूर करती है। और ये वही लोग है जो कहते हैं आई विल बी हैप्पी और वो कभी हैप्पी नहीं रह पाते। अगर लाइफ में हमें सच में हैप्पी रहना है तो अभी से हैप्पी रहना सीख लो। अगर आप लाइफ में हैप्पी नहीं हो तो आप लाइफ में कभी प्रोडक्टिव नहीं बन सकते और आप फ्यूचर में भी हैप्पी नहीं रह सकते। इसलिए हमें करंट में हैप्पी रहना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमें आज खुश रहना है। इसके लिए हमें अपने पसंद की जॉब ढूंढनी पड़ेगी या फिर हम जहाँ पर जॉब कर रहे हैं उससे प्यार करना पड़ेगा। यही सही टाइम है रैट रेस से बाहर निकल जाओ। आप पैसे भी कमा लोगे और कुछ अचीवमेंट भी कर लोगे, लेकिन आप एक रोबोट की तरह लाइफ जी रहे हो। वेकअप, आपके जीवन के साथ खेलना बंद करिए। ये कोई वीडियो गेम नहीं है जिसे वीडियो खत्म होने के बाद या फिर आउट होने के बाद रिस्टार्ट किया जा सकता है। ये लाइफ है, अगर एक बार गेम ओवर मतलब गेम ओवर, देयर इज नो रिस्टार्ट बटन। लेकिन हम ह्यूमंस ने ऐसे कुछ स्टेटस सिंबल्स बना रखे हैं, जैसे कि लाइफ में स्ट्रेसफुल रहना या फिर बिजी रहना, ये हमारा स्टेटस सिंबल है। अगर आप आपके लाइफ में खुश रहोगे तो आपके लाइफ में आप बेहतर कर सकोगे। प्रोफेसर सीन एक्वार के रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर आप आपके लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आप कितने टैलेंटेड हो या फिर कितने इंटेलिजेंट हो मैटर नहीं करता। आप अगर आपके लाइफ में हैप्पी हो तो आप आपके लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हो। उनके रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर आप आपके लाइफ में हैप्पी रहोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है। एंड द फनी थिंग इज आप आपके लाइफ में पैसे भी ज़्यादा कमा लोगे और आपकी उम्र भी कई सालों से बढ़ जाएगी अगर आप खुश रहोगे। आई नो इट साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू। अगर आप आपका जीवन खुशी से बिताओगे तो आपका लाइफ का ग्राफ कुछ सालों के लिए जरूर बढ़ेगा। आप इसे हल्के में मत लो क्योंकि आपका हैप्पी रहना आपका कर्तव्य है। लिटरली पूरे वीक लोग वीकेंड्स का वेट करते रहते हैं और आजकल तो हार्ट अटैक्स के मामले बहुत नजर आने लगे हैं। आजकल लोग ऐसे कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हैप्पीनेस आपकी चॉइस है। लोग कहते हैं ये तो बहुत आसान है, लेकिन इट्स नॉट दैट इजी। आपको ट्राई करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप आपको आपके अंदर जाकर देखना पड़ेगा। 2000 सालों पहले गौतम बुद्ध ने कुछ कहा था जो आज भी लोगों के लिए लागू होता है। प्रॉब्लम ये है कि आपको लगता है कि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, लेकिन डोंट वेस्ट योर टाइम। ऐसे वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।